गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज इवनिंग में स्टार्ट कर रही हूँ, तो एज यूजल में जो बत्ती जलाना मुझे पसंद है, ये जला के फिर मैं नमाज़ पढ़ने लग गई। मगरिब का वक्त है, ये सब तो दिखाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं दिखाती भी नहीं हूँ। काफ़ी सारे मगरिब के बाद हमारे काफ़ी सारे पढ़ाई होते हैं, नमाज के बाद चाहो तो बहुत सारे पढ़ाई है। कभी करती हूँ, कभी टाइम की मिले तो करती हूँ, कभी ओनली नमाज़ पढ़ती हूँ। तो आज जल्दी जल्दी चाय पी रही हूँ, पिला रही हूँ सबको, क्योंकि मुझे आँखों के डॉक्टर के पास जाना है। पता नहीं मेरा वो का आँखों में थोड़ा पावर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे दूर से दिखाई देता है, पास वाला छोटे छोटे चीज़ में थोड़ा सर में आने से फील कर रही हूँ। तो इसलिए जल्दी से नमाज़ पढ़ के ही हम चाय पिला दी, क्योंकि डॉक्टर 5 से 7 बजे के अंदर रहता है। तो उधर डॉक्टर दिखाने के बाद चश्मा भी देना है, इसलिए आज और कुछ नहीं बनाया। चाय के साथ बिस्किट ले लिया सबने। देखती हूँ आके, अगर टाइम मिले या बाहर कुछ मिले तो खा लूँगी। तो ये आ गई हम डॉक्टर के पास, पास ही है हमारा, 5 मिनट्स लगता है कार में। तो चश्मा बनाने दे दिया और ये ले आई मुझे, ये धूप में ना लगता है मुझे, वरना सौर धूप में लग जाता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रिजनेबल भी है, 999 है इसका प्राइस, थोड़ा सा डिस्काउंट दिया मुझे। फिर ये आई ड्रॉप और कुछ नहीं दिया, एक आई ड्रॉप दिया। और पास की दुकान में एक स्टेशनरी दुकान थी, उसमें मैं फूड कलर नहीं थे घर में, और ये चॉकलेट्स और फूड्स कलर्स और वेनिला एसेंस और भी चीज़ लेना थे, बट मुझे याद भी नहीं आया और जल्दी से घर आ गई। फिर आने के बाद साफ़ सफाई सैनिटाइज हो के रात के लिए चिकन बनाने लग गई। थोड़ा सा चिकन घर में है तो सोचा रात रोटी के साथ अच्छा लगेगा। और कैमरा पकड़ ली और आप लोगों से शेयर कर ली। एक पेपर पाउडर, टर्मरिक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर खत्म हो गई, ये थोड़ा दे दे। आज मैं अकेले डिनर कर रही हूँ, क्योंकि किस कारण जो हो गया, मैं अकेले पड़ गई। मेरे पास थोड़ा काम थे, मैं काम करने लगी, उन लोग सब ने खा लिया, और मेरे एक रोटी, थोड़ा सा राइस और चिकन और वेज, ये मेरा डिनर और चटनी जो सुबह हम बनाए थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन,
आज मैं बाहर वॉक करने निकली। मैं ज़्यादा तो यही जगह में जाती हूँ, थोड़ा आपस है, रास्ता भी ठीक है और थोड़ा खाली रहता है। तो लगभग 5:30 में मैं निकली थी, 5:45 में निकली थी। थोड़ा आप और भी है मगर मैं गई नहीं। मैं इतना तो एक आप उठती हूँ, उठ के इधर से फिर रिटर्न करती हूँ, ऐसे तीन चार चक्कर लगाती हूँ, ये हो जाता है मेरा हाफ एन आवर। और साथ में कोई नहीं है, अलग अलग सब वो कर रहे, वॉक कर रहे हैं, मैं अकेले ही कर ली। देखिए ये डाउन देख रहे हो ना, अच्छा लगता है डाउन में। फिर मैं घर आ गई, लगभग 35 मिनट्स वॉक किया। कभी बाहर जाती हूँ, कभी घर में कर लेती हूँ, ऐसा ही है। फिर नहा बहा के ये बाहर बालकनी में मेरा, देखिए धूप थोड़ा थोड़ा गिर रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है। तो मैं वो सोचा चटनी बनाऊंगी, चटनी या मुझे सोच लगा था ये उठाते वक्त कि आज फुचका लेकर आएंगे और चटनी में घर से बना लूँगी फिलिंग, वो मैं जो फुचका के अंदर होता है घर से बना लेंगे। फिर हुआ नहीं, एक ही पेड़ से कितना पत्तियाँ खाई। फिर शाम की सॉरी सुबह की वो मेरा पकाना कि ऑफिस जाना है, हमें भी लंच वो डिनर को सॉरी क्या बोल रही हूँ आजकल वो ब्रेकफास्ट करना है, उसको लंच ऑफिस में देना है। तो पकाने लग गई, सोचा आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लो। कैमरे के पीछे भी काफ़ी सारे काम होते हैं, कभी याद भी नहीं रहते, कभी अच्छा नहीं लगते, ये सब जब मन जाता है, मन जब थोड़ा टाइम मिलता है तो कैमरा पकड़ती हूँ। तो जितना हो सके आप लोगों से शेयर करती हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है। अगर थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो से कौन सी पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो एक लाइक देकर जाऊँ और सब्सक्राइब करके मेरे साथ में रहो। एज यूजुअल जैसे कि स्कूल कॉलेज स्कूल गए हैं तो मुझे बाहर निकलना पड़ता है स्कूल से पिक करने के लिए। और आज नवंबर की महीना, धूप देखिए बाहर, इतना गर्मी भी थी, पता नहीं ठंड कब गिरेगा। गुवाहाटी में तो ठंड गिरते ही नहीं है, एक महीने रहते हैं। और हम उबर बुक किया, उबर की वेट कर रही, वो छाया में आके रुकी। और ये वीडियो में कल शाम से शुरू किया था, चाहती हूँ अभी ख़त्म कर दूँ वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उबर पकड़ के मैं घर जा रही हूँ। और यही एक शेयर था 24 घंटे का शायद। फ्रेंड्स मैं उबर पकड़ के घर जा रही हूँ और आप लोगों से विदा ले रही हूँ, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ बने रहेगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।